Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the splitting of d orbital in square planar complex. Last video we discussed the splitting in tetrahedral complex and octahedral complex. Already discussed the two splitting, octahedral and tetrahedral. I hope you all are understood easily. Now in this video we will discuss the splitting of d orbital in square planar complex. इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट डिस्कस करने से पहले स्प्लिटिंग को हम बता देते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को आप कैसे ऑब्टेन करते हो. एज यू ऑल नो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल. तो स्क्वायर प्लेनर को कहाँ से लेते हैं आप? ऑक्टाहेड्रल से. अब आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल में जैसे सिक्स लिगेंड्स होते हैं आपके, ये आपके जेड एक्स, तो ये टू जो ट्रांस लिगेंड्स हैं इनको अगर आप कंप्लीटली रिमूव कर देते हो, लाइक हमने डिस्टोरेशन में डिस्कस किया था स्क्वायर प्लेनर वाला, तो क्या होता है कि आपके सिक्स लिगेंड्स हैं और ये जेड एक्सिस के अलावा जो दो लिगेंड्स लगे हुए हैं इनको आप बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव कर दोगे. मान लिया कि हमने दो लिगेंड्स को रिमूव कर दिया, तो अब ये जो बचा है इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर. ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है. तो ऑक्टाहेड्रल है उसमें छह लिगेंड, उन दो जो जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स होते हैं उनको आप बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव कर देते हो तो फॉर्मेशन इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो जेड एक्सिस के अलोंग करते हैं, अब आपको बता कि उनको रिमूव ही कर दिया आपने कंप्लीट, तो उनकी एनर्जी कम होगी. एनर्जी कम होगी तो दैट मीन स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको आप नीचे लिखोगे और एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल को आप ऊपर लिखोगे. जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका ऑक्टाहेड्रल में नीचे T2G होता है ऊपर EG होता है, ठीक है. T2G से अप्रोच करते हैं ना एक्स वाई, इसलिए उनकी एनर्जी dx² - y² और dz² वालों की तो बढ़ जाती है उसी साइड के अप्रोच, ठीक है. इसलिए उनको ऊपर लिखते हैं हम, T2G नीचे होता है EG ऊपर. अब स्क्वायर प्लेनर में जेड एक्सिस के अलोंग वाले को आप रिमूव, तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. तो हम देखो आप क्या होने वाला है आपका, कि यहाँ पे पहले तो आपके जैसे डीजनरेट हो 5d ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4, 5. अब बाद में जो स्प्लिटिंग होती है तो सबसे नीचे आपका क्या आता है, आपका dxz और dyz. जो z वाली ऑर्बिटल है ना उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो नीचे लिखोगे आप dxz dyz. फिर आता है आपका dz स्क्वायर, देन आता है आपका dxy, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. अब आपको स्प्लिटिंग देखनी है. आपने कई जगह नोट किया होगा कि जैसे 12th तक या आपने BSc में भी स्क्वायर प्लेनर को आपके इनके वैल्यू कैलकुलेट करनी बहुत ही कम पूछता है आपसे. ज़्यादातर हम देखते हैं अपने कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, तो वहाँ पे भी ज़्यादा जो केसेस डिस्कस किए गए हैं स्प्लिटिंग हम कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्सेस पे, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का ही पूछता है वो केसेस में, ठीक है. तो वैसे इनकी हम वैल्यू बता देते हैं कि इनका जो गैप है वो कितना रहेगा आपका, ये होता है 0.086. जो वैल्यू जैसे हमने T2G की बताई थी आपका, वो वैल्यू थी 0.4 होती है किसी की, 6 होती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो फिलिंग करते हैं. तो इनका जो गैप है बीच वाला है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसके लिए आप वैल्यू लोगे 0.086, ठीक है. और अब इसके ऊपर वाला जो ये है इसकी वैल्यू लोगे आप 0.428 और यहाँ पे आप लोगे 2.28, ठीक है. तो इनकी वैल्यू होगी 0.48 है ना, हाँ ये 86 है, ये 0.864 लिख सकते हो, आप टू वैल्यू याद रख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे 0.086, ठीक है. तो इन टू ऑर्बिटल dxz dyz और dz स्क्वायर के बीच में होगी 0.086, यहाँ पे होती है आपका 0.428, यहाँ पे 2.28, ये वैल्यू याद रख सकते हो. जैसे आपने टेट्राहेड्रल में देखा था ऑक्टाहेड्रल में आपका जैसे T2G होता था EG होता, इसके लिए हम वैल्यू बताते थे आपका 0.4 रहने वाला, यहाँ पे 0.6 कैलकुलेट करते थे. इनके लिए आपसे नहीं पूछते कैलकुलेट करना, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू हो रही है. अगर मान लिया कि आपका कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे दिया, जैसे हम ज़्यादातर प्लेटिनियम के पढ़ते हैं, जो भी D8 कॉन्फिगरेशन वाले मोस्टली शो करते हैं आपके स्क्वायर प्लेनर को, तो कोई भी कॉन्फिगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स मान लिया कि आपका स्क्वायर प्लेनर शो कर रहा है, तो वहाँ पे पहले कॉन्फिगरेशन देख लिया आपने कि वो D8 है कितने भी इलेक्ट्रॉन, फिर आप इलेक्ट्रॉन को फील करोगे. मान लिया कि आपका D8 है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप जैसे 1, 2, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, ठीक है, ये कर लिया. अब आप 6 करोगे, 7 करोगे, 8 करोगे. अब आप वैल्यूज देख लोगे कि इसके लिए मान लो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.3 इतनी थी, तो 4 के लिए कितनी हो जाएगी, इसके लिए कितनी, तो आप ओवरऑल करके इनको सॉल्व कर लोगे. इन दोनों को तो आपको ऐड करना है, दोनों वैल्यू को माइनस में जो ये वैल्यू होगी ऊपर वाला इनको सेपरेट करना है, जैसे हम T2G EG के लिए कैलकुलेट करते थे. अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 4 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, पहले बताओगे कि स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को वी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल. इन एज यू ऑल नो कि ऑक्टाहेड्रल में सिक्स लिगेंड्स होते हैं. इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव द जेड एक्सिस, जो ये आपके ट्रांस वाले लिगेंड्स हैं,
कंप्लीटली रिमूव करने से आपकी फॉर्मेशन हो जाती है स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, देन जेड एक्सिस के लोंग वालों को आप रिमूव कर देते हो तो जेड वालों की एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि एनर्जी जिनकी कम होगी उनको आप नीचे लिखोगे, तो इसीलिए हम जेड वालों को कम, तो आप माइंड में भी याद रखने का भी ये रख सकते हो कि जेड वालों की एनर्जी कम है। तो जेड वाले ऑर्बिटल्स कितने हैं, अब आपको पता है कि तीन होते हैं, तो जेड वालों की सबसे एनर्जी कम जैसे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, तो सबसे पहले जो डी के अंदर है वाई जेड और जेड एक्स उनको करोगे, बाद में आपका डी जेड स्क्वायर आएगा, देन डी एक्स वाई वाला, और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप वैल्यू भी ध्यान रख सकते हो, जैसे 42 है, 42 का डबल करते हो तो 84 आता है, उसमें 2 ऐड कर दो तो 86 हो गया, 0.0 86 में डबल किया हमने 2 कर दो इंटू 2.8, तो ऐसे तीन वैल्यूज आप याद रख सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियोज होगी उसमें हम डिस्कस भी करने वाले हैं कब टीबीपी क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल एंटी प्रिज्मेटिक, ये इनमें क्या होता है कि आपको सीएफएससी की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो नहीं पूछता, बट क्वेश्चन देखा गया है कि जैसे एग्जाम में एंट्रेंस में या नेट में भी ये पूछ लेगा कौन से डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम कौन से की होती है, तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर पता होना चाहिए आपको, कि जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर में पूछ लिया कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, तो आप बता दोगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, लो एनर्जी वाला कौन सा है, तो आप बता दोगे डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डबली डीजनरेट टू ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उनको डिस्कस करने के लिए हम आपको स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर बता देंगे, सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल आता है कौन सा, ठीक है, कुछ क्यूरी रहती है आपको एनी अदर इससे, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरी। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।